हेलो एवरीवन, दिस इज समीर। सो फाइनली आज हमने काउंसलिंग प्रोसेस की रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट कर दी है। आज सुबह आपने महेश सर का वीडियो देखा होगा। महेश सर ने काफी अच्छे तरीके से आपको काउंसलिंग के बारे में समझाया है, इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग के बारे में बताया है। आपको सर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन लिंक देखने को मिली होगी। फिर भी काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारे डाउट है कि काउंसलिंग में हम उन स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रोवाइड करने वाले, क्या क्या हम उनकी क्वेरी सॉल्व करने वाले, सब कुछ जो है इस वीडियो में मैं सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के मन में जितने भी डाउट्स होंगे सब कुछ मैं क्लियर अप करने की कोशिश करूंगा। देखो स्टूडेंट्स, ये काउंसलिंग प्रोसेस इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए हमें जो है एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत थी, इसलिए मैं और खुशी मैम जो है सातारा सर से, महेश सर से मिलने गए थे, जहां पे हमारी एक प्रॉपर मीटिंग हुई, सारा डिस्कशन हुआ कि काउंसलिंग प्रोसेस में आप सभी स्टूडेंट्स को हम क्या-क्या प्रोवाइड करने वाले। सब कुछ अच्छे से डिस्कशन होने के बाद और ये जो काउंसलिंग प्रोसेस का हमने जो स्टेप लिया है ये महेश सर के गाइडेंस में लिया है। महेश सर के गाइडेंस में हम लोग ने ये काउंसलिंग प्रोसेस लॉन्च किया है। आज के इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा कि आपको जो है इस काउंसलिंग से क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले और सबसे इंपॉर्टेंट कल आपके आंसर की जो है डिस्प्ले होने वाली है, कल आपको जो आपके सारे मार्क्स पता चल जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस जो है अभी क्यों लॉन्च किए, इसको तो जो है रिजल्ट आने के बाद, जब आपको परसेंटाइल रैंक आने के बाद लॉन्च करना चाहिए था। देखो स्टूडेंट, ऐसा नहीं है, ये काउंसलिंग प्रोसेस अभी स्टार्ट करने का एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो स्टूडेंट्स, अभी आपको कल जो है आपके मार्क्स पता चल जाएंगे, तो 200 में से आपको जो है कितने मार्क्स मिल रहे हैं आपको कल पता चल ही जाएंगे। कल आंसर की जो है डिस्प्ले होने वाली है, फिर उसके बाद जो है हमारी जो काउंसलिंग होने वाली है 50-60% जो काउंसलिंग है ये तुम्हारे मार्क्स के बेसिस पे ही तुम्हारी काउंसलिंग हम लोग जो है क्लियर अप करेंगे, ताकि जो है जब आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए तब आपको जो है हम लोग कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करें जल्द से जल्द। वो भी तो अभी रिजल्ट आने से पहले ही सारे स्टूडेंट्स की जो है 60-70% काउंसलिंग हम करने वाले हैं। अभी ये 60-70% में काउंसलिंग में हम स्टूडेंट को क्या करने वाले, क्या प्रोवाइड करने वाले, अभी देखो आपकी कल आंसर की डिस्प्ले होने वाली है, आपको आपके सारे मार्क्स पता चल जाएंगे, उसके बेसिस पे आपका रैंक, आपका परसेंटाइल प्रिडिक्ट करके आपके ब्रांच सिलेक्शन में आपको किस में इंटरेस्ट है, आपको जो है कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपका कौन सा डिजायर्ड कॉलेज है, ये सारा जान के जो है आपकी हम लोग जो है काउंसलिंग करने वाले। और अभी रिजल्ट आने से पहले एक फेज होगा तुम्हारा पूरा काउंसलिंग का, जिसमें आपको जो है ब्रांच सिलेक्शन में हेल्प मिल जाएगी, कॉलेज सिलेक्शन में भी हेल्प मिल जाएगी, जो भी आपका डिजायर कॉलेज रहेगा उसके सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सब कुछ आपको जो है फर्स्ट फेज में 60-70% आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आपका, जब आपको खुद का रैंक पता चल जाएगा, तब आपको जो है जल्द से जल्द हम लोग जो है कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करेंगे आपके रैंक के बेसिस पे, आपके परसेंटाइल के बेसिस पे। अब एक कॉलेज की लिस्ट भी हम इस बेसिस रेडी करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उस कैटेगरी में कौन सा बेस्ट कॉलेज है उस रैंक पर, ऐसे करके हम लोग जो है कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करने वाले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। और ये काउंसलिंग प्रोसेस जो है हम सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए ही नहीं, फार्मेसी और एग्रीकल्चर के लिए भी करने वाले। एग्रीकल्चर के लिए, फार्मेसी के लिए जो है सीमा मैम है हमारे साथ, और खुशी मैम भी जो है फार्मेसी के लिए जो है काउंसलिंग करने वाले। जो भी स्टूडेंट पीसीएम या फिर पीसीबी कोई भी ग्रुप से क्यों ना हो, काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अरे रजिस्ट्रेशन कैसा करना है वीडियो के एंड तक देखिए, आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो भी मिल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसा करना है, एनरोल कैसे करना है। तो अभी हम बात करते हैं कि काउंसलिंग में आपकी किस तरह की हम जो है हेल्प आपको प्रोवाइड करने वाले। जो पहला पॉइंट है कैपराउंड फॉर्म रजिस्ट्रेशन, अभी काफी सारे स्टूडेंट जो है रजिस्ट्रेशन में ही काफी सारी गलतियां कर देते हैं, बहुत सारे रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, रॉन्ग डिटेल्स फिल अप कर देते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। यही सबसे मेजर स्टेप होता है आपको जो है कैपराउंड, अब ये फॉर्म ही आप गलत भर दोगे तो कैपराउंड में आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे, तो आपको जो है कैपराउंड के थ्रू एडमिशन ही नहीं मिलेगा। आपको जो एकदम करेक्ट कैपराउंड का फॉर्म फिलअप करना होता है, और इसमें हम लोग जो है आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले कि आप जो है कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और कुछ भी अगर आपको फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेरी रहती है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम इसमें जो है पूरी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। सेकेंड जो है हाउ टू फिल योर ऑप्शन फॉर्म, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके काउंसलिंग में, बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है आपका ऑप्शन फॉर्म। आपको ऑप्शन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, आपको कैसे कॉलेज को कैसा प्रिफरेंस देना है, कितना प्रिफरेंस देना है, और ऑप्शन फॉर्म में आपको ब्रांच वाइज आपको कॉलेज सिलेक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम जो है आपको कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका ब्रांच सिलेक्ट हो गया तो ब्रांच वाइज आपको कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। थर्ड जो है ऑल क्वेरी रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारी डाउट्स है कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट कैसे बनाए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनाए, मेरे पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो मेरा मेरे को बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कॉलेजेस में कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलेगी जहाँ पे आपको फीस कंसेशन मिलता है,
ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट होंगे, सारे के सारे डाउट जो है हम इस काउंसलिंग में आपके सारी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो है कॉलेज लिस्ट विल बी प्रोवाइडेड, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, और प्रॉपर गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड। जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक जो है हम आपसे कनेक्ट रहने वाले, जब तक आप कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो तब तक आप जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एक प्रॉपर गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करने वाले जब तक आपका एडमिशन नहीं खत्म होता। नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट कोटा एंड स्पॉट राउंड, आप काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो कैप राउंड के थ्रू एडमिशन नहीं मिल रहा होगा उनको, और उनको जो है सिर्फ अच्छे कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, तो ऐसे स्टूडेंट भी जो है मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग जो है काउंसलिंग करने वाले कि आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, और स्पॉट राउंड के बारे में आपको जो है हम लोग बताने वाले हैं काउंसलिंग में। सब कुछ जो है हम आपको काउंसलिंग में आपके हर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करने वाले। तो होप सो आपको ये सारी डिटेल्स पता चल गई होगी काउंसलिंग से रिलेटेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्राइस। अब काउंसलिंग की क्या प्राइस होने वाली है, काउंसलिंग प्रोसेस की क्या प्राइस है, तो देखो हम लोग ने डिसाइड किया है कि वो चाहे पीसीएम या पीसीबी, दोनों दोनों ग्रुप के स्टूडेंट जो है काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ₹999। ₹999 में आप जो है इसको रजिस्टर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी, आपको जो है पहला पेमेंट करना होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, गूगल फॉर्म में आप उसको अपलोड करना है, विदिन 24 आवर्स जो है आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपकी काउंसलिंग भी जो है जल्द से जल्द स्टार्ट की जाएगी। और काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि रिजल्ट आने के बाद जो है हम रजिस्टर करें, ऐसा नहीं है। आपकी जो 60-70% काउंसलिंग जो है रिजल्ट आने से पहले ही कंप्लीट हो जाएगी, जब आपके मार्क्स पता चल जाएंगे उसी बेसिस पे आपका काउंसलिंग किया जाता है। तो जल्द से जल्द जो है रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कीजिए, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।